कार्बोनाइल कंपाउंड, चार ऑप्शन है। कौन सा कार्बोनाइल का मतलब होता है सी डबल बॉन्ड हो नहीं है, ऐसा पूछा है। सबसे पहला फर्स्ट ऑप्शन में कौन सा ग्रुप है, ये वीडियो शूट हो रहा है तो ऐसा नहीं आप नॉर्मली बिहेव नहीं कर सकते हो, नॉर्मली बिहेव कर सकते हो, मतलब बीच बीच में थोड़ी थोड़ी जो बातें करते रहते हो वैसे तो नहीं करनी चाहिए, पर करोगे तो इसमें वॉइस नहीं आएगी, चिंता मत करो, ठीक। और मैं पूछूं तो आंसर देना, क्योंकि आपकी वॉइस ज़्यादा इसमें कैप्चर नहीं होगी, क्योंकि मैंने माइक लगा रखा है तो ये वॉइस ज़्यादा कैप्चर होगी, ठीक है, डोंट वरी, आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। पहला कौन सा ग्रुप है, नहीं ऐसे हूँ नहीं करना है। ग्रुप है कार्बन से लेके एसिड, इसमें कार्बोनाइल ग्रुप है, इसमें सी डबल बॉन्ड ग्रुप है, बी आंसर हो जाएगा ना, कौन सा ग्रुप है, इधर है ये, इधर में होता है आर ओ आर, सी ओ सी होता है बट सी और ओ में डबल बॉन्ड नहीं होता है, सी ओ सी एल कौन सा ग्रुप है, ये एसिड हैलाइड में सी डबल बॉन्ड ओ सी एल होता है, अले एमासो जो है एमाजो ने लाइव चले जाते हैं सेकंड What is the name of compound obtained when H of acid is replaced by SI group? अच्छा SI का मतलब होता है RCO. तो acid में से क्या निकालना है H और क्या लिखना है SI? बोलो क्या आंसर हो जाए? Acid anhydride. क्योंकि R C double O H है. इसमें से क्या निकालने के कहा गया? H. H निकालने के क्या लिखना है H की जगह? SI. क्या लिखना है? SI मतलब क्या लिखना है? RCO. RCO कितनी बार हो जाएगा? और एक O. तो ग्रुप का नाम है RCO, twice O का नाम है acid anhydride. आंसर हो जाएगा D. Next. From compounds containing carbonyl carbon, which pair shows FGI? ऐसा आंसर होगा हमारा जिसके अंदर कार्बोनाइल ग्रुप होना चाहिए और फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म होना चाहिए. तो ऐसे दो ही पैर हैं, एलिएट कीटोन, एसिड और एस्टर. तो दो में से एक पैर यहां पे होगी. एलियन एंड कीटोन, बी इज द राइट आंसर. समझ आ गया? ऐसा स्ट्रक्चर पूछा है जिसके अंदर सी डबल बॉन्ड होना चाहिए और दोनों क्या होने चाहिए? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर. जैसे कि अल्कोहल और इथर, अल्कोहल और इथर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है, हाँ है ना, बट उसके अंदर सी डबल बॉन्ड हो नहीं है. अल्कोहल में कहा सी डबल बॉन्ड हो, आर ओ एच है ना, और इथर मतलब आर ओ आर. एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में सी डबल बॉन्ड ओ है और दोनों फंक्शनल ग्रुप आइसोमर भी है. एल्डिहाइड और कीटोन, इसका जनरल फॉर्मूला ये है CnH2nO. अल्कोहल और इधर का क्या था? CnH2n प्लस 2O था. अमाइन तो ऑप्शन में नहीं आएगा क्योंकि अमाइन के अंदर तो सी डबल बॉन्ड ओ ही नहीं है. और लास्ट एस्टर, एस्टर के साथ क्या होना चाहिए? एसिड होना चाहिए, ये अल्कोहल है, तो ये आंसर नहीं है, इसलिए आंसर बी है. नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप आइसोमर ऑफ ब्यूटेनॉल? ब्यूटेनॉल मतलब कौन सा ग्रुप? एल्डिहाइड, क्योंकि आर लिखा है. एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप आइसोमर कीटोन है, तो हमें क्या देखना है, कौन सा ऑप्शन देखना है? कीटोन देखना है, और वो भी कार्बन सेम होने चाहिए. चलो ब्यूटेनॉल में कितने कार्बन है? चार. तो यहाँ चार कार्बन वाला कीटोन देखो, कीटोन है नहीं, कीटोन है हाँ. मिथाइल में एक कार्बन, इथाइल में दो कार्बन, कीटोन में एक कार्बन, कितने कार्बन हुए? ये हमारा आंसर होता है. इजी, कीटोन है कितने कार्बन है? नहीं चलेगा, आइसोमर के अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो सेम होना चाहिए, तो आंसर नहीं, इथर, आंसर बी हो गया. नेक्स्ट, इफ हाइड्रोजन एटम ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH का H हम निकाल देंगे SI से, तो अभी तो हमने पढ़ा क्या बनेगा? एनहाइड्राइड बनेगा. एंड इफ OH ग्रुप को निकाल के NH2 लिखेंगे, अमाइडा, हाँ, तो दो, पहला क्या बना? एसिड एनहाइड्राइड, दूसरा क्या बनेगा? अमाइडा. ऑप्शन
सी इज द राइट आंसर. जनरली आपने उतावड़ में पहलो आंसर देखा है ले बी पूरी दीदू पाती यू ऐसा होता है. ठीक है, टेक अ डीप ब्रेथ, आराम से सांस लेके आसपास ज्यादा नहीं देखना है क्लासरूम में. जब बोर्ड की एग्जाम हो तब पेपर में देखना है, क्वेश्चन को देखना है, किसी और को देखने में नहीं गए हैं तो ये गलती नहीं करनी. ठीक है, ऐसा होता है बहुत बार कि आपने पहला ऑप्शन जो फटाफट टिक कर दिए फिर गलत हो जाता है. विच कंपाउंड इज नॉट डेरिवेटिव ऑफ एसिड, एसिड का डेरिवेटिव कौन नहीं है, ऐसा पूछे. बहुत ईजी है, अमाइड है, चैप्टर पढ़ा होगा तो पता होगा भाई, थोड़ा बहुत इतना तो बेसिक पता होना चाहिए. आंसर हो जाएगा बी. विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू कार्बन एंड ऑक्सीजन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप. सी और ओ के लिए कौन सा इंफॉर्मेशन सही है. अच्छा, सी डबल बॉन्ड ओ, सी का चार्ज क्या होता है प्लस, ओ का चार्ज क्या होता है, जो प्लस है वो इलेक्ट्रोफाइल है, जो माइनस है वो, जो प्लस है वो एसिड है, जो माइनस है वो, ये लिखा होना चाहिए. चलो देखते हैं. इन कार्बोनाइल कार्बन कार्बोनाइल ग्रुप कार्बन इज न्यूक्लियोफाइल, कार्बन तो इलेक्ट्रोफाइल है, पहला गलत. कार्बन इलेक्ट्रोफाइल है और ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल है, सही जवाब है ये. आगे बढ़ते हैं. कार्बन एसिड है और ऑक्सीजन बेस है, ये भी सही जवाब है. कार्बन इज बिग, गलत जवाब है. आंसर दोनों है बी और सी. अब सर ऐसा है तो क्या करेंगे, दोनों सही है, कुछ भी टिक करोगे मार्क्स मिलने चाहिए. ठीक है, यस, चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, सिनेमाल्डिहाइड कौन है इसमें से, बी इज द राइट आंसर. थ्री फिनाइल प्रोप टू इनाल, थ्री फिनाइल वो सिनेमाल्डिहाइड था. ठीक है, किसी को पता है आपने कहाँ बनाया था, कौन से रेशियो में बनाया था, क्रॉस आल्डोल का टेंशन में बनाया था. क्रॉस आल्डोल में हमने लिया था बेंजाल्डिहाइड और उसके अंदर मिक्स किया था इथेनॉल. PnCHO plus CH3CHO in the presence of dilute base. हमने ऐसा पढ़ा था aldol cross aldol में पहले मॉलिक्यूल से O निकल जाएगा, दूसरे मॉलिक्यूल से क्या निकल जाएगा, दो अल्फा H और दोनों को डबल बॉन्ड से जोड़ना है. चलो इसमें से O हटा दो, क्या बाकी रहा, PhCH डबल बॉन्ड, इसमें से दो एच निकाल दो, क्या बाकी रहा, सी एच सी एच ओ, इसका नाम था सिनेमाल्डिहाइड. क्लियर है, ठीक है. और दूसरा नाम क्या हो जाएगा, थ्री फिनाइल प्रो टू इन वन ऑल टू इन. नेक्स्ट आंसर यहां पे हो जाएगा एट्थ में भी. नेक्स्ट स्ट्रक्चर दिया है, उसका आईयूपीएसी पूछा है. अब आईयूपीएसी नॉमिनेशन करने के लिए पहले प्रायोरिटी देनी है फंक्शनल ग्रुप को, फिर प्रायोरिटी देनी है मल्टीपल बॉन्ड को, फिर प्रायोरिटी देनी है सब्स्टिट्यूट्स को. ठीक है, क्या इसमें फंक्शनल ग्रुप है, हाँ है ना, सीए जो है, ओके, तो उसको प्रायोरिटी देंगे और जो बाकी रह जाएगा वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड यहाँ पे है. तो हम यहाँ ये हमारा बैलेंस शीट हो जाएगा. अब देखा आपने, अगर हम पैरेंट चेन अगर कंसीडर करें, ये वाला जो मैंने यहाँ पे पूरा बॉक्स बनाया है, तो उसमें दो सी एच ओ पैरेंट चेन में आएंगे और एक सी एच ओ पैरेंट चेन में, तो हम ऐसा कर सकते हैं तीनों तीन को पैरेंट चेन में ना लें तो पैरेंट चेन फिर ये हो जाएगा. सही बात है, ओके. अब यहां से देखो, वन टू थ्री फोर, अगर हम यहां से गए तो सी एच ओ कौन से कार्बन पे आ रहे हैं, वन पे आया, टू पे आया और वन टू फोर. अब इधर से जाओ, वन टू थ्री फोर किस पे आया, वन
1, 2, 4 सही है क्योंकि मिनिमम एडिशन होना चाहिए लोकेंट्स का, ऐसा हमने पढ़ा था। तो इसका मतलब ये बैलेंसिंग लेंगे और लेफ्ट टू राइट हमें जाना है। चलो ये 1, 2, 3, 4 बोलो। 3 पे क्या है? 3 पे ब्रोमो है। 4 कार्बन मतलब ब्यूटेन, 1 कार्बोल्डिहाइड, 2 कार्बोल्डिहाइड, 4 कार्बोल्डिहाइड, 1, 2, 4 ट्राई ऑप्शन हो जाएगा ए। 3 ब्रोमो ब्यूटेन, 1, 2, 4 ट्राई इजी। नेक्स्ट राइट द स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मूला ऑफ वैलेनाल्डिहाइड। वैलेनाल्डिहाइड का फॉर्मूला लिखना है दोस्तों। वैलेन मतलब 5 कार्बन और एल्डिहाइड मतलब CHO। तो हमें क्या देखना है, 5 कार्बन होने चाहिए और CHO। और वैलेनाल्डिहाइड में ऐसा नहीं लिखा आइसो वैलेनाल्डिहाइड, खाली वैलेनाल्डिहाइड लिखा है, मतलब हर एक कार्बन सीधा होना चाहिए। तो सीधे 5 कार्बन और एल्डिहाइड ढूंढो तो डी इज द राइट आंसर। सी कैसे बोल सकते हो? मैं बोल रहा हूं 5 कार्बन, इसमें 3 कार्बन बेटा है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 5 कार्बन और एल्डिहाइड, कोई ब्रांच नहीं, आंसर डी। वैलेन मतलब अगेन मैं पूछ देता हूं, वैलेन मतलब कितने कार्बन? वैलेन मतलब 5 कार्बन। वैलेन एल्डिहाइड कौन सा नेम है? कॉमन क्या है बेसिक? कॉमन। कॉमन नेमिंग में हम एक कार्बन के लिए फॉर्म लिखते हैं। कॉमन नेमिंग में प्रीफिक्स प्रीफिक्स फॉर कॉमन नेमिंग, एक कार्बन के लिए प्रीफिक्स है एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड, 2 कार्बन के लिए है ऐसे, 3 कार्बन के लिए है प्रोपियोन, 4 कार्बन के लिए था ब्यूटन, 5 कार्बन के लिए है वैलन। पांचवा डाली है इलेक्ट्रॉन और एसिड होना, तो एक एसिड लिखना है, एक एसिड, फॉर्मिक एसिड, एसिडिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड, वैलोरिक एसिड, 6 कार्बन हो तो क्या लिखना है, बस इतने याद कर रहे, ठीक है। तो अभी वैलन वाली हेड था, वैलन मतलब 5 कार्बन, तो 5 कार्बन वाली हेड ढूंढना था बराबर। चलो फिर आगे बढ़ो। तो यहां पे आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट तो बहुत इजी है, बताओ बेंजीन 1,2-dicarbaldehyde, इसका कॉमन नेम क्या था? चलो स्ट्रक्चर देखते हैं। CN3 फिर क्या है? CO देन CH, कितने CN3 है? CN3 कितने हैं? 2। तो एक सीधा होगा और एक ब्रांच पर, एक से थ्री सीधा होगा एक ब्रांच में होगा। दोस्तों नंबर ही कहां से करेंगे, लेफ्ट टू राइट के राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट जाएंगे क्योंकि पहले प्रायोरिटी देते हैं एफजी को, फिर आएगा सब्स्टिट्यूट, इसलिए यहां से जाना है, यहां से नहीं जाना। ए तू इधर आ, तू इधर और सीधा बैठ, इधर पीछे घुमा ना, एक कान के नीचे बजा दूंगा, तू दिल खड़ा हो जा। तू एक काम करो, धीमे धीमे, चलो यहां से नहीं जाएंगे, यहां से जाएंगे,
वहां से जाएंगे तो फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी मिलेगी। इसलिए 1, 2, 3, 4 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 पॉन ऑप्शन बोलो सी। नेक्स्ट राइट आईयूपीएसी नेम ऑफ पता नहीं किसका नाम लिखना है, कोई बात नहीं मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूँ फिर लिखते हैं। CHO है, NO2 है और OCl3। CHO ही फंक्शनल ग्रुप है, बाकी दोनों सब्स्टिट्यूएंट है। तो यहां से जाएंगे 1, 2, 3, 4 बोलो। 4 पर मेथॉक्सी, 2 पे बेंजाल्डिहाइड, 4 मेथॉक्सी 2 नाइट्रो बेंजाल्डिहाइड। इजी। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द करेक्ट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ डाई आइसोप्रोपाइल कीटोन। डाई आइसोप्रोपाइल मतलब दो बार आइसोप्रोपाइल और कीटोन का मतलब होता है सी डबल बॉन्ड। चलो देखो मेरे मुंह पे नहीं ड्रॉ किया बेटा, उधर ड्रॉ किया। चार ऑप्शन में ढूंढो आइसोप्रोपाइल कीटोन, डाई आइसोप्रोपाइल कीटोन, दो आइसोप्रोपाइल हो गया और एक कीटोन। हाँ बी इज द राइट आंसर। यस ये रहा आइसोप्रोपाइल, ये रहा आइसोप्रोपाइल, ये रहा कीटोन, डाई आइसोप्रोपाइल कीटोन। इजी इजी। नेक्स्ट identify acrolein from the following. Acrolein मतलब विनाइल कार्बोक्सिलेट, विनाइल करो फाइंड। D is the right answer. Yes. इतने ग्रुप को acryl बोलते हैं, acryl। विनाइल के साथ एक कार्बन कनेक्टेड हो उसको बोलते हैं acryl। और क्योंकि यहाँ पे CHO है इसलिए acrolein या फिर दूसरा नाम इसका था। Very good, acrylaldehyde, बहुत बढ़िया। और अगर यहां सी डबल एच होता तो क्या लिखते, एक्रिलिक एसिड। हाँ देखो मैं लिख देता हूं, ये विनाइल है और अगर ये कार्बन कनेक्टेड होगा तो इतने स्ट्रक्चर को हम कॉमन नेमिंग में बोलते हैं एक्राइल। एक्राइल ओके, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, एक्रिलो एल्डिहाइड या फिर अभी जो लिखा था एक्रोलेन। फिर मैंने ये बोला अगर यहां पे ऐसे रुका तो इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एक्रेलिक एसिड। अगर यहां नाइट्राइल होगा तो कितने ग्रुप का नाम है एक्रिलो और एन मतलब नाइट्राइल, तो इसका नाम है नेक्स्ट ये है मिथाइल और ये है एक्रिलेट। मिथाइल एक्रिलेट जितना बड़ा बड़ा सिलेबस में एक्राइल से बदला लगी रहा है। ओके यस, एक्राइल एक्रोलेन एक्रिलिक एसिड एक्रिलोनाइट्राइल मिथाइल एक्रिलेट। विनाइल साथ कार्बन हुए ना, विनाइल के साथ जब कार्बन होता है तो उसको हम बोलते हैं एक्राइल। ठीक है फिर ग्रुप अलग तो उसका सफिक्स जो है वो चेंज होता है। कुछ लोग लिख रहे हैं इसमें वेट कर रहा हूँ, कुछ लोग शक्ति माने उनको ऐसे ही बाय ऐसे याद हो जाएगा, उनको ऐसा सर बोल रहे हमें याद ना, ऐसा तो हो नहीं सकता। अभी तक तो याद रहा उनको सब, अभी भी याद रह जाएगा। ग्रेट अच्छी बात। अब कुछ लोगों ने लिखना शुरू किया ओके भी याद रखे क्या लगे भी याद पाषाण साइड पर क्या कौन ही पाषाण। आइडेंटिफाई द आईयूपीएसी नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। इस स्ट्रक्चर का आईयूपीएसी नेम लिखना है,
चलो दोस्तों ये वन हो जाएगा, ये टू डन। अब राइट साइड जाएंगे कि लेफ्ट साइड जाएंगे? तो अच्छा अब मैं रुक गया तो बोलेंगे राइट नहीं लेफ्ट लेफ्ट फाइनल। पहले फंक्शनल ग्रुप, फिर मल्टीपल बॉन्ड, फिर सबस्टेट ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप ये रहा, फिर टू ये। अब मल्टीपल बॉन्ड तो कहीं भी नहीं है, तो सबस्टिट्यूएंट की तरफ जाएंगे। तो सबस्टिट्यूएंट इस तरफ है, देखो। अब कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन है सबस्टिट्यूएंट क्या होता है। सबस्टिट्यूएंट मतलब जो ब्रांच है वो, तो इस तरफ जाएंगे तो ब्रांच है, इस तरफ जाएंगे तो ब्रांच नहीं है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 ठीक। इसका नाम है प्रोपाइल, इसका नाम है मिथाइल, इसका नाम भी है मिथाइल। तो इसका नाम हो जाएगा 2 पे प्रोपाइल 3 4 डाइमिथाइल। 5 का अपना तो नाम हो जाएगा पेंटेन। ऑप्शन हो जाएगा ए। यस, इन कार्बोनिल कंपाउंड ऑल द थ्री फंक्शनल ग्रुप अटैच टू कार्बोनिल कार्बन आर। क्या पूछा है? कार्बोनिल ग्रुप के अंदर कार्बन के साथ जो ए बी और ओ कनेक्टेड है वो कहाँ पे है, मतलब वो टेट्राहेड्रल है, प्लेनर है, क्या है? तो हमने ऐसा पढ़ा था ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp2 है, और sp2 होगा तो प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। मतलब ये कार्बन के पास जो ए बी और ओ है वो सभी सेम प्लेन में होंगे। तो आंसर हो जाएगा इन द सेम प्लेन, आंसर है ए। नेक्स्ट, व्हाट इज आईपीसी नेम ऑफ क्लोरल? क्लोरल का मतलब होता है CCl3CHO। क्लोरल का मतलब होता है क्लोरल। क्लोरल क्या होता है? CCl3CHO। एल्डिहाइड को प्रायोरिटी देंगे तो ये 1 और ये 2। 2 पे कितने सी एल? 2 2 2 ट्राई क्लोरो इथेनॉल। ये ऐसे खाली है, ठीक है। 2 2 2 ट्राई क्लोरो इथेनॉल। 2 2 2 ट्राई क्लोरो इथेनॉल आंसर हो जाएगा डी। ऐसे एसिडलिएट तब दिखते हैं जब कॉमन नेमिंग हो, इसलिए टीचर नाम प्रॉपर हो जाएगा और नंबरिंग भी करना पड़ता है। हो गया। ये हमने क्या यूज किया था? क्लोरल। डीडीटी बनाते वक्त डीडीटी बनाया था, क्लोरल के अंदर हमने ऐड किया था क्लोरोबेंजीन रीड करके आना है। प्रोपेनॉन के अंदर कितने सिग्मा कितने पाई है? प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन मतलब CH3CO CN CH3CO CN3। बोलो कितने हैं? 9 सिग्मा 1 पाई, ठीक। 9 1 9 1 ए इज राइट। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बोनिल कार्बन इन फॉर्मालडिहाइड एसिटाल्डिहाइड एंड एसीटोन। फॉर्मालडिहाइड मतलब ये HCHO, एग्री? H का चार्ज +1 होता है, ऐसे कितने H है? तो +2 होगा, और O का चार्ज -2 होता है, +2 -2 कितना हुआ? तो ये कार्बन का चार्ज हो गया बाबा जी कंट्रोल 0। तो पहला चार्ज 0 लिखा होना चाहिए, आगे करेंगे। डन। What is oxidation of number of carbon in formaldehyde? अभी तो लिखा 0। What is the oxidation number of carbonyl carbon in acetophenone? What is acetophenone? PnCOCl3, benzene पे COCl3। Acetophenone का मतलब ये benzene COCl3। इसका चार्ज 0 होता है, इसका चार्ज 0 होता है। कार्बन अगर कार्बन से कनेक्टेड हो
तो वो कार्बन का चार्ज जीरो होता है। क्या बोल रहे हो सर? अरे अल्काइल ग्रुप जो है, क्योंकि देखो ये अल्काइल ग्रुप है, अगर ये अल्काइल ग्रुप कार्बन से कनेक्टेड हो तो ये कार्बन कार्बन बॉन्ड कैसा हुआ? नॉन बोनर हुआ, तो इसका चार्ज कुछ नहीं है, जीरो है। इसका चार्ज भी क्या है? जीरो। इसका चार्ज जीरो मत बोला सब, जब जीरो बोल रहे हैं आप सर, जीरो ही बोलते हैं, जीरो जीरो नहीं, ओ का जज माइनस टू होता है ना, तो सी का जज क्या होगा? प्लस टू। तो आंसर है प्लस टू डी। तो फॉलोइंग, अरे सी में थ्री लिखा है, टू आंसर है डी। ओके ठीक है ठीक है। तो फॉलोइंग इज डाई कार्बोनाइल कंपाउंड, कौन सा कि कौन से स्ट्रक्चर में दो सी डबल बॉन्ड होते हैं? एन हाइड्रेट, आर सी ओ, ओ सी ओ आर, तो सी ओ दो होते हैं उसके अंदर। चलो दोस्तों 24, 25, 26 तीन एमसीक्यू सोचो फिर डिस्कस करते हैं, सब में सॉल्व कराऊंगा, तुम लोग क्या करोगे फिर? पॉइंट बोल हो गया, किसके अंदर सब्स्टिट्यूशन फास्ट होता है? एसिड के चार बच्चे दिए हैं, एसिड के चार डेरिवेटिव हैं, उसमें सबसे इजीली किसी को सब्स्टिट्यूट करना हो तो सीएल को हम इजीली निकाल सकते हैं, एसिड हैलाइड पहला होना चाहिए, एसिड हैलाइड, तो ऑप्शन सी और डी निकल गया। और लास्ट डेरिवेटिव होती है NH2 की, अमाइड की, तो लास्ट में NH2 होना चाहिए, CO NH2 दोनों में है, आंसर बी है, फिर है एन हाइड्राइड और फिर है एस्टर, आंसर है बी, एसिड हैलाइड, एसिड क्लोराइड का मतलब होता है RCOCl, उसका रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है, फिर एसिड एन हाइड्राइड मतलब RCO OCOR, फिर एस्टर मतलब RCOOR, और फिर है अमाइड। दोस्तों पूछा है किसको सब्स्टिट्यूट करना इजी है, तो Cl को सब्स्टिट्यूट करना सबसे इजी है, फिर OCOR, फिर OR और फिर NH2, याद रखेंगे है ना। नेक्स्ट, IUPAC नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज कीटोन, तभी लिखेंगे जब हम कॉमन नेमिंग करेंगे, एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड, प्रॉपर जो ग्रुप का नाम है वही का वही पीछे लिखेंगे तो कॉमन नेमिंग है ना। यहां पे क्या पूछा? IUPAC पूछा है, तो IUPAC है डाइफिनाइल मिथेनॉन, डाइफिनाइल, ये कॉमन नेम दूसरा एक था बेंजोफिनॉन, और वो बेंजोफिनॉन IUPAC भी है। जैसे कि मैंने आपको एक स्ट्रक्चर पढ़ाया था बेंजीन पे NH2, उसका नाम था बेंजीन पे NH2 एनिलीन, वो कॉमन था और वो IUPAC भी था, तो बेंजोफिनॉन कॉमन भी है IUPAC, तो आंसर यहां पे हम लिख के आएंगे डी। नेक्स्ट, बाय व्हाट कीटोन कैन बी प्रिपेयर्ड इन वन स्टेप, किससे कीटोन एक स्टेप में बन सकता है? सी इज द राइट आंसर, यस, ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी एल्कोहल, क्योंकि प्राइमरी के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है? एल्डिहाइड, सेकेंडरी के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है? हाँ, बाकी देखो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, एस्टर का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनेगा? एसिड प्लस एल्कोहल, कीटोन थोड़ी बनेगा, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल, एल्डिहाइड बनेगा, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद अल्काइल हैलाइड, आर ओ एच के अंदर आर एक्स डालेंगे तो रिएक्शन होना ही नहीं है, बेस डालना पड़ेगा, फिर होगा विलियमसन रिएक्शन, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब दोस्तों, बराबर ध्यान आप जो है रिएक्शन के क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, एसिडोनाइट्राइड रिएक्ट्स विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड टू गिव ब्यूटेनॉन,
एसिटोनिट्राइल चार ऑप्शन में से किसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? ब्यूटेनॉन। अच्छा ओके, सबसे पहले मैं क्या पता होना चाहिए? एसिटोनिट्राइल का स्ट्रक्चर। अभी मैंने लिखा था एसिड हम कब यूज करते हैं, कितने कार्बन के लिए? दो कार्बन। तो ऐसा स्ट्रक्चर हो जाएगा CN3CN प्लस, क्या ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? ब्यूटेनॉन। ब्यूटेनॉन में कितने कार्बन है बेटा? चार। इसमें कितने कार्बन है? इसमें दो कार्बन है, इसमें चार है, तो इसमें कितने कार्बन चाहिए? कॉमन सेंस। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढो जिसके अंदर दो कार्बन हो। सी आंसर। कितना इजी भाई, डन। फिर आंसर हो गया सी, नॉट सी, सी। The following reaction is proper to prepare acetone. कौन सा reaction acetone बनाने के लिए सही है? B is the right answer. Yes. देखो पहला है propanol का oxidation. Propanol के oxidation से propanol बनेगा, मतलब aldehyde बनेगा. Two propanol को किसे पास करना है? 573 केल्विन था ना, कॉपर से पास किया तो क्या हुआ था, क्या रिएक्शन का नाम था? डीहाइड्रोजनेशन, मतलब हाइड्रोजन निकल जाएगा, यहां से H निकलेगा और यहां से H निकल जाएगा, H2 निकल गया और यहां बॉन्ड आ जाएगा। यस, एसीटोन नाम है इसका, प्रोपेनॉन। नेक्स्ट ये CN3 है ना, ब्यूटेन टू ऑल ऑफ से ब्यूटेन टू ऑन एल्कोहल से कीटोन, कौन सा रिएक्शन है ये? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन का उल्टा क्या होता है? रिडक्शन। तो इस तरफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए और इस तरफ, ठीक है चलो, इस तरफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है सर? ऐसा तो हमने पढ़ा, अरे पढ़ा तो हमने लिखा भी, क्रोमिक एसिड है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो यही ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? हाँ। ये रिड्यूसिंग एजेंट है? हाँ। कौन सा एजेंट है ये? वुल्फ किस्नर रिडक्शन में हमने यूज किया था, NH2NH2 प्लस एल्कोहलिक KOH। हाँ, पर उसे तो अल्किन बनता है, ये तो एल्कोहल बन रहा है, तो इसलिए ये नहीं होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये? हाँ। ये वुल्फ क्रिस्टल में हाइड्रोजन के साथ बेस होना चाहिए, यहाँ पे ऐसे गए तो ये गया। ब्रोमीन वाटर यूज कर सकते हैं ऑक्सीडेशन में, हाँ, पर ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो भी ऑप्शन गया, आंसर हो गया। H2CrO4 क्या है बेटा, क्या बोला मैंने? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। H2CrO4 का नाम है क्रोमिक एसिड, हमने ये पढ़ा, डी और एफ लोग के अंदर भी हमने ये पढ़ा। पोटेशियम डाइक्रोमेट के अंदर H2SO4 डाला और उसके बाद उसके अंदर पानी ऐड किया तो क्रोमिक एसिड बना, और क्रोमिक एसिड कहाँ यूज करते हैं? लैब में ग्लास वर्स को क्लीन करने के लिए, ठीक है, जैसे घर में बर्तन मारने के लिए विम बार यूज होता है, ऐसे लैब में ग्लास वर्स को क्लीन करने के लिए क्या यूज होता है? क्रोमिक एसिड, ठीक है। यस, देखो इधर K2Cr2O7, इसके अंदर हमने H2SO4 ऐड किया, बोल क्या रिएक्शन हुआ? K2SO4 निकल गया, क्या निकल गया? K2SO4। भाई किसी को ऐसा लगे वॉशरूम जाना है, पानी पीना है, यू मे गो, जा सकते हो, है ना, वॉशरूम के लिए मेरे को पूछने का नहीं, मतलब चले जाना है, ऐसा ऐसा वीडियो चालू तो पूछू भी नहीं है, तो चले जाना, चिंता नहीं करना, एकदम फ्री होके बैठो। K2SO4 निकल गया, क्या बाकी रहा? और H2Cr2, इसके अंदर पानी डालेंगे, दोनों में मिला के कितने ऐसे, देखो तो दोनों मिला कितने ऐसे, आठ दिख रहे तेरे को? सॉरी, मेरे काम बज रहे हैं, सॉरी। सीआर कितने? सीआर ओ कितने? नौ। किसको
को देख रहा भाई। ये बन गया क्रोमिक एसिड, कहा यूज होता है क्रोमिक एसिड, वासन धोवामन टू क्लीन वासन लैब ना वासन, ठीक है, ग्लास रस को क्लीन करने के लिए यूज होता है क्रोमिक एसिड, याद रखना। ये हमने कहा पढ़ा था, डी और एफ ब्लॉक में पढ़ा था, पोटेशियम डाइक्रोमेट टॉपिक के अंदर। ओके ओके, और ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। नेक्स्ट, इफ 1,2 डाइथाइल बेंजीन, इफ 1,2 डाइथाइल बेंजीन, इफ 1,2 डाइथाइल बेंजीन, इफ 1,2 डाइथाइल बेंजीन, इफ 1,2 डाइथाइल बेंजीन इज ओजोनोलाइज्ड एंड द प्रोडक्ट ऑब्टेन इज हाइड्रोलाइज्ड, व्हाट इज ऑब्टेन एज अ प्रोडक्ट। आवा क्वेश्चन सर आवे तो हमें एक काम करिए, अगर बगर बगे गो 80 90 100 और ये सही आंसर या फिर जय श्री राम। चलो क्या कंसेप्ट है, 1,2 डाइइथाइल बेंजीन का क्या कर रहा है, ऑजोनोलाइसिस में बॉन्ड ब्रेक करके हम दोनों कार्बन पे ओ लिखते हैं, ठीक है, पर बेंजीन में पाई बॉन्ड जो होता है वो फिक्स होता नहीं है, तो आपको दो बार लिखना पड़ेगा, दो बार ऑजोनोलाइसिस करना है, तो जितने भी प्रोडक्ट बनेंगे वो देखने पड़ेंगे और फिर आंसर आएगा। वैसे हमने तुक्का गैस मत करके बोल दिया, डी आंसर डी है ही, कैसे मैं आपको समझाता हूं। चलो 1,2 डाइथाइल बेंजीन ड्रॉप करेंगे, देखो 1,2 डाइथाइल बेंजीन यहां इथाइल और 2 पे इथाइल, इसका करना है ओजोनोलाइसिस, ओके, और फिर मैंने ऐसा बोला दोस्तों कि डबल बॉन्ड का पोजीशन तो फिक्स होता नहीं, तो इसका ओजोनोलाइसिस करेंगे, फिर प्रोडक्ट लिखेंगे, फिर हम दूसरा बेंजीन ड्रॉ करेंगे, कैसे, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ नहीं यहाँ लिखेंगे, तो डेफिनेटली प्रोडक्ट चेंज होगा ना, क्योंकि यहाँ पे इथाइल और इथाइल दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, और एक बार ऐसा भी होगा कि इथाइल और इथाइल दोनों के बीच में डबल बॉन्ड नहीं होगा, तो आंसर अलग आएगा। पहले इसका करते हैं, फिर हम इसका ऑक्सीडेशन ओजोनोलाइसिस करेंगे और आंसर लिखेंगे। ओके दोस्तों, चलो फिर अब दोनों का ओजोनोलाइसिस करते हैं, लेट्स क्या बनेगा ओजोनोलाइसिस में, मैंने ये बोला कि बॉन्ड ब्रेक करके क्या लिख रहे हैं, ओ लिख रहे हैं, चलो ये ब्रेक कर दो ओ लिखेंगे। अब देखो यहां से स्टार्ट करो, ये क्या बना, इधर सी एच होगा ओ, सिंगल बॉन्ड सी एच ओ, क्या बना ग्लाइऑक्सल, ठीक, प्लस ये क्या है सी एच थ्री सी एच टू सी एच थ्री सी एच टू सी ओ सी एच ओ प्लस, और भी एक बार बराबर देखो ना, सी एच थ्री सी एच टू सी ओ, हाँ तो ये कितनी बार बना, समझ आ गया, दैट्स ग्रेट। तो ये हमारे आंसर हो गए, अब उसका भी करना पड़ेगा, फिर देखेंगे। चलो इसका ऑर्गेनाइजेशन करो, बॉन्ड ब्रेक ओ, बॉन्ड ब्रेक ओ लिखेंगे, एग्री यहां तक, ठीक है। अब ये क्या है, देखो बताओ मुझे क्या है, सी एच ओ सी एच ओ ग्लाइऑक्सल, फिर ये क्या है CHO, दूसरी बार तो दो बार बन गया, प्लस अब बाकी ना देखो CH3 CHO नहीं है ना, वो कार्बन डबल बॉन्ड में है तो CH नहीं है, वो CO है, फिर CO फिर CH2 CH3 तो CH3
CH2 C को CO हाँ ऐसा कुछ देखो प्रोडक्ट अलग बने उसमें तो ग्लाइओ ज्यादा दोनों में बना इसका नाम है हेक्सेन 3,4-dione और इसका नाम है 2-oxo-butanol अब देखो ये रहे हमारे ऑप्शन ग्लाइओक्साल बना था हाँ हेक्सेन 3,4-dione हाँ ग्लाइओक्साल हाँ ब्यूटेन 2-on-1-al हाँ ग्लाइओक्साल हाँ डी हाँ सब हाँ क्लियर है दैट्स ग्रेट चलो आगे बात ये तो वैसे ही बता दोगे मुझे इतना विश्वास है आप लोगों पे यस एरो पे लिखा है पैलेडियम और बेरियम सल्फेट तो बेंजोइल क्लोराइड लेना है और बेंजाल्डिहाइड बनेगा तो आंसर हो गया रोज रिएक्शन डैश विल गिव कीटोन इन वन स्टेप और यहां पे ऑप्शन एक भी है नहीं तो मैं थोड़े ऑप्शन चेंज कर देता हूं ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनता है हाँ प्राइमरी से क्या बनता है एल्कोहल का बोल रहा अरे सेकेंडरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन से फिनोल होता है प्राइमरी एल्कोहल से एल्डिहाइड बनता है टर्शियरी एल्कोहल से हाँ नो रिएक्शन हाँ गुड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी सॉल्युबिलिटी पानी में किसकी सबसे ज्यादा जितने कार्बन कम उतना सॉल्युबिलिटी ज्यादा किसमें कार्बन सबसे कम है C is the right answer, yes. What is correct order of boiling point for alcohol, aldehyde, ether and alkane? Come on. Alcohol. क्योंकि उसके अंदर क्या है हाइड्रोजन बॉन्ड तो पहले एल्कोहल होना चाहिए ऐसा ऑप्शन एक ही है वाओ ए यस इजी इन जनरल बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर मैंने आपको लिखवाया था सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट हमारे सिलेबस में जितने भी ग्रुप हैं उसमें किसका है कार्बोक्सिलिक एसिड फिर अल्कोहल फिर अमाइन फिर कीटोन फिर एल्डिहाइड फिर ईथर और फिर अल्केन ठीक है इसने ओके और क्या हमारे क्लास में तो अभी उत्साह ही हम जबरदस्त थोड़ी लाइज हो घरी ना किसो जोरदार जबरदस्त धीरे 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 जो बजा रहे हम वासम ये वासम धीमे धीमे शांत थी गया चार्जिंग को दी हुआ ऐसे पहले आएगा फिर आएगा आर ओ एच फिर दोस्तों आएंगे अमाइंस फिर आएगा कीटोन कीटोन के बाद आएगा एल्डिहाइड फिर आएगा ईथर फिर आएगा अल्केन ऐसा क्यों क्योंकि एसिड और अल्कोहल और अमाइन में एच बॉन्ड है पर एसिड इसलिए पहले आए क्योंकि एसिड में एच बॉन्ड है और सीओ डायपोल डायपोल अट्रैक्शन भी है अल्कोहल में एच बॉन्ड है अमाइन में एच बॉन्ड है पर अमाइन का नाइट्रोजन अल्कोहल का ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन का नेगेटिविटी ज्यादा है फिर कीटोन इसलिए पहले आया कीटोन में कार्बन ज्यादा है और जितने कार्बन ज्यादा उतना बॉइलिंग पॉइंट हाँ फिर एल्डिहाइड फिर ईथर और अल्केन में ईथर पाउडर है और ये इस लास्ट में स्टैंडर्ड ठीक है चलो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इथेनॉल उसमें अल्कोहल है इथेनॉल एल्डिहाइड प्रोपेनॉन कीटोन इथेन अल्केन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज हाईएस्ट रिएक्टिविटी फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में जितने कार्बन कम उतना रिएक्टिविटी ज्यादा
बी मिथेनॉल। NaR का रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करता है, तो कार्बन पे, जितने कार्बन का उतना रिएक्टिविटी ज्यादा। और दूसरा कंसेप्ट था इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पे, अगर विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है तो रिएक्टिविटी ज्यादा, और डोनेटिंग ग्रुप है तो रिएक्टिविटी क्यों ऐसा, क्योंकि ऐसा होता है। ऐसा क्यों होता है सर? ऐसा ही होता है। अरे भाई तो पूछ रहा है क्यों होता है। देखो कार्बोनिल ग्रुप के अंदर C का चार्ज प्लस O का चार्ज, अब C प्लस है तो प्लस पे कौन अटैक करेगा? कुछ लोग बोलेंगे प्लस, तो फिर तो कॉमर्स तो ले नहीं सकते। अब क्या करेंगे? C डबल बॉन्ड, वो भी C का चार्ज है प्लस, प्लस पे कौन अटैक करेगा? माइनस का नाम है न्यूक्लियोफाइल। ठीक, अब सोचो पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना नेगेटिव का अटैक डोमिनेंट होगा। अब ये कार्बन जिसका प्लस चार्ज है उसके पास डोनर ग्रुप होंगे, तो इसका पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे? डिक्रीज कर देंगे ना, तो डोनर ग्रुप नहीं होना चाहिए। ये कार्बन के पास कैसा ग्रुप होना चाहिए? विड्रॉ, विड्रॉ ग्रुप होगा तो कार्बन का पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा उतना न्यूक्लियोफाइल का अटैक डोमिनेंट हो जाएगा। ऐसा समझ आएगा? तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे? रिएक्टिविटी आप बोलो सर, आप जो बोलो वो करेंगे। अरे बहुत इजी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो कार्बन का पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, तो विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज करेंगे और डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीज करेंगे। तो सिंपल है, जितने कार्बन ज्यादा उतना एक्टिविटी कम, क्योंकि कार्बन डोनेट करता है ऐसा, तो इसीलिए आंसर हो जाएगा मीथेनॉल। नेक्स्ट 37 नंबर का क्वेश्चन है, उसको कहीं हाथ में टैटू वैटू बना लो तुम लोग, ये एमसीक्यू आएगा नहीं थ्योरी आएगा। ठीक है, प्रोपेनॉन ये क्या है? ये है हाइड्रेजीन और ये है बेस और ये है इथिलीन ग्लाइकॉल। ये एक दो और तीन का मिक्सचर हो तो समझ जाना ये वुल्फ क्रिस्टल रिडक्शन है। NH2 लिखा हो एग्जाम में, NH2 नहीं लिखा हो एग्जाम में, N2H4 लिखा हो, N2S4 N2H4 का मतलब होता है हाइड्रेजीन। ठीक है, KOH और इथिलीन ग्लाइकॉल, तो क्या करना है सुनो, तो जो भी हमें दिया है उसमें से एल्केन बना देंगे। समझ आया? जैसे मीथेनॉल हो तो मीथेन बनाएंगे, प्रोपेनॉल हो तो प्रोपेन बनाए, एल्केन बना वन छे तो प्रोपेन ऑन छे तो शू बन से प्रोपेन बन से, आंसर है प्रोपेन। पोरपेन नहीं है, प्रोपेन है, ये पोरपेन लिखा है, ये प्रोपीन है, प्रोपेन बनेगा ऐसा बोला। ठीक है, यस, देखो इधर ये जो मैं लिख रहा हूं इसमें से एक रिएक्शन बोर्ड में होगा। एरो भी लिखा हो ये नहीं तो NH2 क्या लिखते हैं, तो आप समझ जाना ये हमारा वुल्फ क्रिस्टल रिडक्शन है। ये नहीं तो क्या लिखा होगा, ऐसा लिखा होगा ZnHg plus concentrated HCl। ओके, ये नहीं तो एरो में लिखा होगा ये HI plus रेड P, इसमें से कुछ भी लिखा है ना, तो यहां C डबल बॉन्ड O दिया होगा उसको CH2 में कन्वर्ट कर देंगे, तो यहां क्या लिखा हो? मीथेनॉल, तो आंसर आल के ऑन लिखा होगा, आल ब्लाइली है, ऑन मतलब की टोन, उसमें से एन बनेगा एन, आल के एन, जैसे लिखा हो एसिड ऑफ फिनोन तो क्या बनेगा? बोले एसिड ऑफ फिन, अरे कुछ भी बोल रहे हो, एसिड ऑफ फिनोन कीटोन है और वो है ना उसे कॉमन नेम है, तो एसिड ऑफ फिनोन का स्ट्रक्चर ही रहा, तो क्या बनेगा? इथाइल बेंजीन। हाँ भाई थोड़ू मंगे जो आपर ऊपर है, एसिड ऑफ फिनोन ऑप्शन जो है एसिड ऑफ फिन लकी नजदीक है।
चलो नेक्स्ट आगे बढ़े। ओके लेना तो ये मजा ले मजा आया लो। ब्रेक लेते हैं ठीक है, थोड़ी देर बाद लेते हैं, 25 मिनट बाद लेते हैं ब्रेक। पौने 6 बजे तक खत्म होगा ना भाई। हाँ तो अभी ले लेते हैं, रुको। कौन से क्वेश्चन ये हो गया आपका पहले, कौन से क्वेश्चन पे आए आपने? 40 तक कर लेते हैं ठीक है, फिर ब्रेक लेते हैं 15 मिनट का आराम से, 10 मिनट का लेते हैं ब्रेक। मैकेनिज्म शोन अबाउट ठीक है, कौन सा गलत है फॉर द गिवन मैकेनिज्म। ये मैकेनिज्म देखो, पहला स्टेप कैसा है, स्लो है। दूसरा स्टेप कैसा है, फास्ट। ये कार्बन डबल बॉन्ड में है तो ये कार्बन का हाई हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। ये कार्बन सिंगल बॉन्ड में है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp, इसका भी sp3 ठीक है। अब पढ़ते हैं चलो, दिस इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इज इट सो? दिस इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। हाँ न्यूक्लियोफिल अटैक कर रहा है, सही बात है। व्हेन टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट इज फॉर्मड ड्यूरिंग द रिएक्शन हाइब्रिडाइजेशन, पहले sp2 था फिर sp3 हो गया, सही बात है। फर्स्ट स्टेप इज फास्ट, गलत है। एस द सेकेंड स्टेप ऑफ दिस रिएक्शन स्लो, सेकेंड स्टेप सी और डी गलत, आंसर हो जाएगा डी, 3 and 4 ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोर रिएक्टिव फॉर NaR, कौन NaR के लिए क्या पूछा है, ज्यादा रिएक्टिव है। मैंने क्या बोला, जितने कार्बन कम उतना रिएक्टिविटी ज्यादा। चलो तो कार्बन गिनेंगे, इसमें कितने कार्बन हैं, इथाइल 2 फिनाइल 6 टोटल 8, एसिटोफिनोन 6 और 2 8, 6 और 1 7, 6 और 6 और 1 13 बोलो। सी जिसमें कार्बन कम उसका रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है, आंसर सी। नेक्स्ट लास्ट फिर ब्रेक लेते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, वही तो पढ़ रहे हैं कब से, NaR न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, आंसर हो जाएगा सी। ब्रेक।